बेशक कुत्ते इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 100 साल पहले ये कुत्ते बिल्कुल अलग दिखते थे? विश्वास नहीं हो रहा ना? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इंसानों के प्रभाव और चयनात्मक प्रजनन के कारण दुनिया के कुछ मशहूर कुत्तों की नस्लों में बदलाव आया है। बॉक्सर। ये वफादार नस्ल अब विलुप्त जर्मन बुलेन बेसर का वंशज है, जो मास्टिफ बुलडॉग और संभवतः ग्रेट डेन या टेरियर का मिश्रण था। पहले के बॉक्सर्स को बुल बैटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1835 में इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि बाद में उन्हें कसाई खानों में मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए कसाईयों के सहायक बन गए। आधुनिक बॉक्सर को बुलेन बेसर को पुनर्जीवित करने के प्रयास के रूप में भी विकसित किया गया था, क्योंकि 1800 डॉग शो बेहद पॉपुलर बन गए थे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, पहले के बॉक्सर्स के कान नुकीले हुआ करते थे और मुंह लंबा, वहीं आधुनिक बॉक्सर में आपको छोटा चेहरा, लटकते हुए कान देखने को मिलेंगे। इसे हम एक सिंड्रोम की मदद से समझ सकते हैं, जिसे डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम कहा जाता है। इसका मतलब है कि कुत्तों की विशेषताओं को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन अफसोस कि इससे उन्हें कई बार सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि उन्हें अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी शारीरिक क्षमताएं बाधित हो जाती हैं। ये तुलना बॉक्सर्स के कानों को काटने की प्रवृत्ति को भी उजागर करती हैं, जिसे गलत तरीके से संक्रमण के जोखिम को रोकने के लिए सोचा गया था, जो अब कई यूरोपीय देशों में अवैध है। बुल टेरियर। वैसे तो ये नस्ल इतनी अट्रैक्टिव है नहीं, लेकिन एक समय था जब आप इस कुत्ते को पहचान भी नहीं पाते। बुल टेरियर को 1800 के दशक में अंग्रेजी टेरियर और बुलडॉग के मिश्रण के रूप में बनाया गया था। चपलता, अनुग्रह, लालित्य और दृढ़ संकल्प के अवतार के रूप में इनका वर्णन किया गया था। वैसे आजकल कुत्ते कुछ ऐसे ही होते हैं, है ना? अब जरा एक नजर इस चौंका देने वाली तुलनाओं पर भी डालिए। दिखने में तो ये कुत्ते ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे के कजिन्स हों। बुल टेरियर का शरीर पहले स्लिम और कर्व हुआ करता था, और साथ ही उसकी नाक आज की नस्ल से बेहतर थी, और ये तब तक वैसे ही रही जब तक डॉग फाइटिंग पॉपुलर नहीं हुई, और इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण उन्हें ये लुक प्राप्त हुआ। सच कहूं तो इस ब्रीडिंग के कारण उनका सर फुटबॉल जैसा हो गया है, जिसके कारण कभी कभी उनके बढ़े हुए जबड़े के अंदर बहुत सारे दांतों के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। और अगर ये काफी नहीं था तो मैं ये भी बता दूं कि इस ब्रीड में कई मानसिक कमियां भी होती हैं, जैसे कि ये अपनी पूंछ को बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। डैक्सहुंड। इन्हें अपने शरीर के आकार के कारण सॉसेज डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रीड की उत्पत्ति लगभग 15वीं सदी में जर्मनी में हुई थी। उन्हें पहली बार अपने छोटे पैरों के कारण बेजर और अन्य बिल में रहने वाले जानवरों को सूंघकर खोज निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डैक्सहुंड 1915 में कितने अलग दिखाई देते थे। उनकी गर्दन और पैर उनके शरीर के आकार के अनुपात में थे। वहीं अगर आप आज के डैक्सहुंड्स को देखें तो उनके पैर और भी छोटे हैं। जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर वन के दौरान उनकी आबादी घटती गई, उन्हें यूएसए से इंपोर्ट किए गए कुत्तों के साथ ब्रीड कराया जाने लगा, जिसके कारण उनकी छाती और ज्यादा बाहर की ओर निकल गई और बैक और भी ज्यादा फ्लैट हो गई, जिससे उन्हें एक अलग ही नया लुक मिल गया। भले ही वो खरीदारों के लिए ज्यादा आकर्षक बन गए, लेकिन इससे इस बात को टाला नहीं जा सकता कि उन्हें इंटरवर्टिबल डिस्क रोग का खतरा रहता है, जिसके कारण उन्हें पैरालिसिस भी हो सकता है। बैसेट हाउंड। वैसे तो बैसेट हाउंड एक जानी मानी ब्रीड है अपनी आंखों और लंबे कानों की वजह से, लेकिन इनके ये फीचर नेचुरल नहीं है। ये नस्ल ब्लड हाउंड की वंशज है, और इसे अपनी सूंघने की शक्ति और छोटे पैरों के कारण लोमड़ी के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1863 में इन्हें पेरिस के डॉग शो में प्रेजेंट किया गया। तब से लोग इनके लुक्स पर ज्यादा ध्यान देने लगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, पहले बेसेट हाउंड्स बहुत ही गर्व से खड़े रहते थे, लेकिन सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण उनके पैर और भी ज्यादा कर्व्ड होते चले गए। शायद ऐसा किसी स्पेसिफिक जीन या फिर किसी प्रोटीन के कारण हुआ होगा। अब इनके कान और आंखें ही इनके कंपटीशन में जीतने की वजह हैं। लेकिन मॉडर्न बेसेट हाउंड को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कानों में इन्फेक्शंस। सालुकी। सालुकी एक ऐसी नस्ल है जिसे अपनी भव्यता और गति के लिए जाना जाता है। रिसर्च का कहना है कि मनुष्यों को ज्ञात पालतू कुत्तों में ये सबसे पुराना हो सकता है। इसकी उत्पत्ति मिडिल ईस्ट में हुई थी, और लेजेंड्स का कहना है कि इजिप्शियन फेरोस द्वारा इन्हें गजल्स और खरगोशों का शिकार करने में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई बार एंशियंट टॉम्स में ममीफाइड सालुकीज भी मिले हैं। इस ब्रीड को 1929 में अमेरिकन कैनल क्लब द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी, और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वे हमेशा
हमेशा से ही पतले कुत्ते थे जिनकी पूंछों पर काफी बाल रहते थे। डॉग शोज में कुत्तों की विशेषताओं पर और ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। सालुकी की भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाने लगी ताकि उनके पैर और कान और भी लंबे लगे। वहीं पहले ये फीचर्स उनके शरीर के अनुपात में थे। शुक्र है मानवों द्वारा हस्तक्षेप के बाद भी सालुकी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उन्हें आंखों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंट बर्नार्ड, ये नस्ल भले ही देखने में सौम्य हो लेकिन इनके साहसिक चर्चे कई हैं। इन्हें 980 एडी में सेंट बर्नार्ड डिमेंथन द्वारा खोजा गया था। वे पहले मॉन्क्स द्वारा ग्रेट डेन और एंशियंट तिब्बती मास्टिफ के साथ ब्रीड किए गए। सेंट बर्नार्ड का मूल रूप से धर्मशाला द्वारा उपयोग किया जाता था। ये स्विट्जरलैंड और इटली के बीच खतरनाक अल्पाइन पास पर ट्रेवलर्स के लिए एवलेंचेस के दौरान रेस्क्यू डॉग्स की तरह काम करते थे। काम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ये कर रहे थे, इसीलिए उन्हें डॉग शोज का भी हिस्सा बनाया गया। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 1915 के सेंट बर्नार्ड की है, जिसका नाक लंबा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ब्रीडिंग के कारण ये मशहूर लंबे बालों वाली वैरायटी में रूपांतरित हो गए और अब ये शायद ही अपने वंशज की तरह दिखाई दें। एक चौड़ी खोपड़ी और एक नाक और माथे के बीच एक तेज कोण के साथ मॉडर्न सेंट बर्नार्ड को एट्रोपियन सहित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वेस्ट हाईलैंड टेरियर। आधुनिक वेस्टी एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय पारिवारिक कुत्ता है, लेकिन असल में इनका उद्देश्य कुछ और ही था। वेस्ट हाईलैंड टेरियर की ब्रीडिंग भूल से कैरियन टेरियर के साथ स्कॉटलैंड में 19वीं सदी में हुई थी और इन्हें चूहे, लोमड़ी, बेजर, ऊदबिलाव और अन्य कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करने किया जाता था। ये तस्वीर 1910 की है। वेस्टी को उसके बुलेट के आकार के मजबूत शरीर और उसकी पूंछों के लिए जाना जाता था। इनकी मदद से इन्हें छेदों में से भी बाहर निकाला जा सकता था। इतने सालों की ब्रीडिंग और डोमेस्टिकेशन के कारण आज का वेस्टी अपने वंशज की तरह एथलेटिक नहीं है और अब इनमें पहला जैसा कौशल भी नहीं है। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो आज का वेस्टी अपने कोट के कारण और भी ज्यादा बौना लगता है और उनके पैर भी थोड़े छोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी हाइट 1 से 2 इंच और कम हो गई है। यही नहीं, इसके कारण उन्हें लक्सेटिंग पेटला नाम की परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, जहां उनके नी कैप नॉर्मल पोजीशन पर नहीं रहते। आजकल आप इन्हें चूहे बजाय जूसी काउटर नाम की ब्रांड के लिए मॉडलिंग करता हुआ देख सकते हैं। कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल। इस कुत्ते का नाम किंग चार्ल्स द्वितीय के नाम पर रखा गया था। ये नस्ल पूर्व राजा चार्ल्स स्पैनियल के समय की है और शायद ये उनकी फेवरेट नस्ल थी क्योंकि इससे कई पेंटिंग्स में देखा गया है। 1600 के दशक में ये मशहूर कुत्ते इनके कान लंबे और मुंह भाषित हुआ करता था। इनके पग के साथ ब्रीडिंग के कारण इनका एक छोटा वर्जन देखने को मिला, जिनके नाक चपटे, सिर गोल और अधिक उभरी हुई आंखें प्राप्त हुईं। और अब ये कैवलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल इतने पॉपुलर हुए कि 1920 में रोजवेल एल्ड्रिज नाम के एक अमेरिकन ने इसे लंदन कर्व्ड डॉग शो के दौरान जो भी इन लंबी नाक वालों को प्रदर्शित करता उसे इनाम दे दिया करते थे। ऐसा करने से वे वैन डाइक के युवा चार्ल्स द्वितीय और उनके स्पैनियल की पेंटिंग में दिखाए गए कुत्तों को ढूंढना चाहते थे। इनकी आबादी दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान कम होती गई और अब इनकी बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करने के कारण उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे खतरनाक समस्या है सिंगोमेलिया, जो इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग उनके स्कल से बड़ा होता है। चाउचाओ। हालांकि इनकी सटीक उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्राचीन चीन में ये पाए जाते थे क्योंकि इसी तरह की समानता चीनी मिट्टी के बर्तनों में 206 बीसी में पाई गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कई काम किया करते थे, जैसे शिकार करना, पशुपालन करना और यहाँ तक कि बिना पहियों की गाड़ियों को भी खींचना। चाउचाओ 1700 के दशक के अंत में इंग्लैंड और अमेरिका में पाए जाने लगे। अगर हम उनके पहले रंग रूप के बारे में बात करें तो वे मीडियम आकार के लंबी पूंछ वाले कुत्ते हुआ करते थे और उनका कोट थोड़ा घना हुआ करता था। जैसे जैसे चाउस फैशनेबल बनने लगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के कारण उनका कोट और भी ज्यादा घना होता गया और उनके चेहरे के पास फर और भी ज्यादा घने हो गए। 1985 में डॉग शो के स्टैंडर्ड्स चाउचाओ के हिसाब से सेट किए गए थे, जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग थे। और अगर अब आप मॉडर्न चाउचाओ की बात करें तो ब्रीडिंग के कारण अब फर के साथ साथ स्किन भी एक्सेस मात्रा में थी, वो भी खास करके इनके चेहरे के पास। उनकी अविश्वसनीय रूप से गहरी आंखों का मतलब है इस ब्रीड की विजन पहले से कम हो गई है और साथ ही इनकी आंखों में विकार देखने को मिलते हैं। पूडल।
पूडल को एक एसेसरी डॉग के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति बहुत ही अलग थी। अमेरिकन केनल क्लब का कहना है कि 17वीं सदी के जर्मनी के पूडल को आप पहचान भी नहीं सकेंगे। पूडल को मूल रूप से वाटर रिट्रीवर माना जाता था, जिसका मतलब है कि वे बतख का शिकार बखूबी करते थे, क्योंकि उनका घना कोट नमी को अब्सॉर्ब कर लेता था। हालांकि एक स्टैंडर्ड पूडल के लंबे और कॉर्डेड बाल हुआ करते थे, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ओनर्स ने धीरे धीरे इनकी ब्रीडिंग और शेविंग शुरू कर दी, ताकि वे पानी में आराम से तैर सकें, जहां उनके घुटनों के पास फर रखा गया ताकि उन्हें गर्मी मिले और जॉइंट्स को गठिया रोग से बचाया जा सके। 18वीं शताब्दी में राजा लुई 16वें के शासनकाल के दौरान इंपोर्टेड पूडल को भी ट्रिम किया जाने लगा, ताकि फ्रांसीसी कुलीनता के कॉफ से मेल खाने के लिए उनकी असाधारण रूप से ट्रिमिंग की जाने लगी। और ये ट्रेंड अमेरिका और यूके में भी जारी रहा, और कुछ इसी तरह से पूडल्स ने अपनी जगह डॉग शोज में बना ली। और सच कहूं तो आज के पूडल्स को एक काम करने वाले कुत्ते के रूप में कल्पना करना बहुत मुश्किल लगता है भाई। इंग्लिश बुलडॉग। इस मजबूत नस्ल की उत्पत्ति ब्रिटिश द्वीपों में हुई थी और इन्हें इनका नाम बुल बैटिंग की वजह से मिला। अपने छोटे कद के कारण वे आराम से एक बैल से पंगा ले सकते थे। अगर हम पहले के बुलडॉग्स के आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन को देखें तो ये पता चलता है कि वो पहले से ही एक हट्टा कट्टा कुत्ता है, लेकिन जैसे जैसे 19वीं सदी में बुल बैटिंग को बैन कर दिया गया तो लोग इसके अपीयरेंस पर ध्यान देने लगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओरिजिनल बुलडॉग की ब्रीडिंग पग के साथ कराई गई, जिसके कारण वे और चौड़े और छोटे दिखने लगे। इतने सालों से की जा रही ब्रीडिंग के कारण आज का बुलडॉग अपने पूर्वज का एक कैरिकेचर मात्र है। और 1995 से लेकर अभी तक के सफर की अगर हम तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनकी मांसपेशियां बढ़ गई हैं और पैर भी छोटे हो गए हैं। और सच कहूं तो इंग्लिश बुलडॉग को अब एक अनहेल्दी ब्रीड माना जाता है, जिसकी शायद उम्र 6.25 साल ही होती है, क्योंकि इन्हें कार्डियक अरेस्ट और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड दुनिया की सबसे कॉमन ब्रीड है, लेकिन समय के साथ सूक्ष्म परिवर्तनों ने इसे पहले की तुलना में अब काफी बदल दिया है। ये जर्मनी में पाए जाते थे और इन्हें 1800 के दशक में कुशल भेड़ रक्षक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये काफी आज्ञाकारी और बुद्धिमान भी है। धीरे धीरे ये अमेरिका और यूके में ही पाए जाने लगे और इन्हें 1908 में अमेरिकन केनल क्लब द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। 1995 के एक स्टैंडर्ड जर्मन शेफर्ड की है। इन्हें एक मध्यम आकार का कुत्ता माना जाता था, जिसका वजन तकरीबन 25 किलो हुआ करता था और उनकी छाती गहरी होती थी, पीठ सीधी और पैर मजबूत थे। आजकल के जर्मन शेफर्ड का वजन भी बढ़ चुका है, जो तकरीबन 14 किलो तक बढ़ गया है और अब इनका वजन 39 किलो जितना है और इनकी छाती किसी बैरल के जैसी है और कमर और ज्यादा झुक गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फीचर इनमें गलत तरीके से ब्रीडिंग की वजह से आए हैं, जिन्हें डॉग शोज के कारण इनमें शामिल किया गया था, लेकिन अब इन फीचर को देखना एक आम बात है। और इसके साथ ही इनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी कम हो गई है, जिसके कारण ये फीचर्स इनमें परमानेंट हो गए हैं और अक्सर हिप डायलिसिया से पीड़ित रहते हैं, जिसका मतलब यह है कि इनके पैरों की हड्डियां इनके हिप्स के सॉकेट में ठीक से फिट नहीं बैठती। पग एक ऐसे कुत्ते हैं जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता है और हो सकता है कि ये सबसे पुराने कुत्ते भी हों। रिसर्चर्स का मानना है कि पग की उत्पत्ति 400 BC से पहले हुई थी, जो या तो एशियाई शॉर्ट ईयर पेकिंगीज से या किसी अन्य क्रॉसब्रीड के हैं। अगर हम विलियम हॉगर्थ की 1745 की इस पोर्ट्रेट को देखें तो ये आज के पग से शायद ही मेल खाए। यहां तक कि कई रोटल लोगों के पास ये कुत्ते थे, जिनमें क्वीन विक्टोरिया भी शामिल थी, क्योंकि 19वीं सदी में यूरोप में बेहद मशहूर थे। हालांकि ये काफी पहले लंबे हुआ करते थे, लेकिन इनमें ये बदलाव 1885 के बाद देखा, जब इन्हें अमेरिकन केनल क्लब द्वारा ऑफिशियली मान्यता प्राप्त हुई। शो के ब्रीडर्स ने कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को चुना, जैसे कि नेचुरली कर्ल टेल और छोटी नाक। शायद इससे इन्हें डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और इन फीचर्स को पाने के लिए उन्होंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया। वैसे तो 1915 के स्टैंडर्ड पग कुत्ते का मुंह पहले से ही फ्लैट था, लेकिन अब उनका चेहरा थोड़ा और चपटा हो गया है, और इनके इन्हीं फीचर्स के कारण इन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे कि सांस लेने में समस्या, ज्यादा गर्मी लगना और यहाँ तक कि वे पैरालाइजिस का भी शिकार हो सकते हैं। इनमें से कौन से बदलाव ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया, और क्या आप इनमें से किसी भी नस्ल को उनके पुराने रूप में देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।